बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जहाँ तक इसके फजाइल फवायद का ताल्लुक है, इसके फजीलत में यह कि जादू टोना, ज़ाहिर है कि दुनिया के अंदर जादू टोना जो है नज़र बद है, और दूसरे जो है जिन्नाती तसरुफात हैं कि जो इंसान को नुकसान पहुँचाते हैं, उसके अंदर इसको बड़ी तासीर है। अगर रोज़ाना वालदैन अपने आप पे अपने बच्चों पे 3 दफ़ा सूरह फलक पढ़ के दम कर दिया करें तो किसी किस्म की नज़र बद उनको नहीं लगेगी, और कोई जिन्नाती आसेबी जो असरअंदाज नहीं होंगे, और ना ये उन पर कोई जादू टोने का असर होगा। अच्छा, तो रोज़ाना 3 मरतबा का एहतमाम कर लें, बावजू 3 मरतबा दम कर दिया करें। अगर वजू नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आमतौर पर बच्चे स्कूल भेजे जाते हैं, किसी तकरीब में जा रहे हैं, तो 3 दफ़ा पढ़ के दम कर लें तो नज़र नहीं लगेगी, ये इसकी तासीर। और एक इसमें तासीर ये कि अगर किसी पर जादू हो गया तो उसको रफ़ा करने के लिए 100 मरतबा रोज़ाना सूरह फलक की तिलावत करें। अच्छा, रोज़ाना सूरह फलक पढ़ें और पढ़ के जो अपने आप पे दम करें और पानी पे दम करके पानी पी लें, और ये 5 दिन सिर्फ अमल करना है। 5 दिन के अमल में ही अल्लाह तबारक व तआला जादू टोने की किसी भी किस्म की जो असरात होंगी उसको रफ़ा कर देंगे। कि ज़ाहिर है कि इसके अंदर जो है जादू टोने की जो गिरे बांधने वाली जो बालों में भी है या रस्सियों में धागों में बांध बांध के जो फूंकती हैं, तो उससे पना मांगी है, तो जब ये सूरह पढ़ी जाती है तो नतीजा ये है कि अल्लाह तबारक व ताला इंसान को शिफा दे देते हैं। और एक तासीर इसमें कि अगर बदन में किसी जगह दर्द है तो उस दर्द की जगह पर हाथ रख के अगर इस सूरह को 3 मरतबा पढ़ के फूंक दिया जाए तो किसी भी किस्म का बदन का दर्द जो है वो दर्द दूर हो जाता है। अच्छा, सुभान, ये भी इसमें खूबी है। और एक ये है कि अगर किसी जालिम हाकिम के पास पेशी है या बॉस जो है वो आपसे नाराज़ है, तो किसी ऐसे शख्स के पास जा रहे हैं कि उसके शर से आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो आप जब जाएं तो 3 मरतबा तिलावत करके अपने ऊपर दम करके उसके सामने पेश हों, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको किसी भी किस्म की जो है शर करने से बाज रखेंगे, और ज़ाहिर आप मुहाफिज़ आज़म की पनाह में हैं तो कोई आपका गुबाल बेकारी भी कर सकता। सुभान, तो ये इसके अंदर तासीर है। और फिर उसके अलावा बाकी बहुत से इसके फायदे बाद वाली सूरत के साथ मिलकर मुतालक हैं, वो इंशाल्लाह उस पर आइंदा गुफ्तगू करेंगे। और जहाँ तक जो है ख्वाबों की ताबीर का ताल्लुक है, तो एक इसकी ताबीर है कि इस शख्स को जिसने इसको ख्वाब में इसको सुना या पढ़ा, तो अल्लाह तबारक व ताले इसको इसमें आज़म अता करेंगे। अच्छा, इसको इसमें आज़म नसीब होगा, और यह है कि इसकी ज़िंदगी भरी चंगी होगी और अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक की खिदमत का इसको मौका मिलेगा। एक मतलब ये, और दूसरा मतलब है कि इसके इससे अदावत करने वाले, इससे हसद करने वाले जितने लोग हैं वो अपने हसद और अदावत में इस पर हावी और कामयाब नहीं हो सकेंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला इसको अपनी पनाह में रख के उनसे महफूज रखेंगे। ये बशारत है। और एक बशारत इसके लिए है कि जादू टोना अगर किसी ने इन पर कर दिया है, इसका मतलब उसकी शिफा और सेहत की तरफ इशारा है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके जादू टोने के असर को तोड़ देंगे। और या ये कि अगर कोई शख्स करने वाला है तो इसका मतलब है कि अगर इसने सूरत देखी और पढ़ी, इसका मतलब है वो जो जादू टोना होगा वो अल्लाह तबारक व ताला पहले से ही इसको जो है अपनी पनाह में रख के उस जादू टोने के हमले से महफूज रखेंगे। सुभान, ये इसकी ख्वाब में ताबीर। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो नाज़रीन, ये थी एक छोटी सी सूरत और इसके बेतहाशा इसके फ़वाद हैं। तो बंदे को तो चाहिए इतने हज़रत चार्ट बना के रख ले उस पर हर सूरत, जैसे जो छोटी छोटी सूरतों के वजीफे हैं, अब बदन में दर्द, आर्थराइटिस का दर्द, घुटनों में दर्द, हर किसी को होता जा रहा है, तो सूरह फलक पढ़ लिया, तो एक चार्ट बना लिया जाए और अपने कहीं बेडरूम में लगा लें ताकि बर वक्त याद आ जाए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तजवीज़।